नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम का स्क्वाड फाइनल हो चुका है। अब आरसीबी टीम को केवल नए कप्तान का अनाउंसमेंट करना है, जो कि विद इन अ वीक जो है आरसीबी टीम नए कप्तान का अनाउंसमेंट भी कर देगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं शायद से फैफ डुप्लेसिस आरसीबी टीम के नए कप्तान होंगे, वही टीम को 2022 से हमें लीड करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया है, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आरसीबी टीम की आईपीएल 2022 में यहाँ पर मजबूती और कमजोरी क्या है, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या रहने वाली है। स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेकर ही ये वीडियो होने वाली है, इसी के बारे में सारी चर्चा हम विस्तार से खुलकर आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहेगी। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2022 से आरसीबी टीम ने अपने स्क्वाड को मजबूत करने के लिए फैफ डुप्लेसिस, जॉश हेजलवुड जैसे खिलाड़ियों को, कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। भारतीय खिलाड़ियों में आरसीबी टीम ने हर्षल पटेल को फिर से लेकर आया है। वहीं दिनेश कार्तिक जो आरसीबी टीम के लिए 2022 से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में भाइयों, टीम का स्क्वाड जो है थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है। अब पहले हम बात करते हैं कि आरसीबी टीम की मजबूती क्या रहने वाली है, इनका मजबूत पक्ष क्या होने वाला है प्लेइंग 11 में या फिर इनके स्क्वाड से। तो दोस्तों, आरसीबी टीम की स्ट्रेंथ ये होने वाली है कि इनके टॉप तीन बल्लेबाज काफ़ी बेहतरीन हैं। जी हाँ भाइयों, टॉप तीन बल्लेबाजों की बात करें तो ओपन करते हुए दिखाई देंगे फैफ डुप्लेसिस और विराट कोहली। इसके बाद नंबर तीन पर खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल तो ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन दोस्तों विराट कोहली और फैफ, इन दोनों ही बल्लेबाजों पर आरसीबी टीम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी। और टीम मैनेजमेंट ये उम्मीद करेगी कि मैक्सवेल जो है पिछले साल की तरह इस बार भी फॉर्म में रहे और टीम को मैचेस जिताए। तो ये तीन बल्लेबाज जो है आरसीबी टीम के मजबूत पक्ष हैं, इनका फॉर्म में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आरसीबी टीम के लिए आईपीएल 2022 में। अगर ये फॉर्म में रहते हैं तो आरसीबी टीम वहाँ पर मैचेस जीतेगी और चैंपियन भी बन सकती है। ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आरसीबी टीम को एक तरफा मैच जिता सकते हैं अगर इनका बल्ला चलता है तो। तो पहली मजबूती आरसीबी टीम की ये होने वाली है। वहीं एक और मजबूत पक्ष आरसीबी टीम का होने वाला है इनकी तेज गेंदबाजी। जी हाँ दोस्तों, इनके पास तीन बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं जिन पर टीम भरोसा कर सकती है कि वो अच्छी गेंदबाजी करके सामने वाली टीम को पस्त और लस्त कर दे। उन तीन गेंदबाजों के नाम हैं मोहम्मद सिराज, जॉश हेजलवुड और हर्षल पटेल। जॉश हेजलवुड जो है इस बार आरसीबी टीम के लिए खेलेंगे, उन्हें आरसीबी टीम ने 7.5 करोड़ रुपए में अपने स्क्वाड में शामिल किया है। हेजलवुड काफ़ी शानदार फॉर्म में है और दुनिया में नंबर 3 के T20 गेंदबाज भी है। इसलिए दोस्तों, उन पर जो है आरसीबी टीम ने भरोसा किया है। अब हेजलवुड को भरोसे पर खरा उतरना होगा, टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी आईपीएल 2022 के लिए। इसके बाद दोस्तों, बाकी दो दूसरे गेंदबाज होने वाले हैं मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल, जिन्होंने पिछले साल आईपीएल 2021 में आरसीबी टीम के लिए काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। सिराज को टीम ने रिटेन किया था, वहीं हर्षल पटेल को आरसीबी टीम ने इस बार ऑक्शन से एक बार फिर से खरीद दिया, अपने स्क्वाड में शामिल कर दिया है। पटेल जो है 2021 में लीडिंग विकेट टेकर भी रहे थे, तो इस बार भी आरसीबी टीम के लिए वैसे ही गेंदबाजी करना चाहेंगे। तो ये होने वाले आरसीबी टीम के मजबूत पक्ष, जहां पर उनकी टॉप तीन बल्लेबाज और ये टॉप तीन गेंदबाज जो है आरसीबी टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिरकार आरसीबी टीम की वीकनेस क्या है स्क्वाड में। तो भाइयों, यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होने वाली है इनकी मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी। मिडिल ऑर्डर में आरसीबी टीम के पास मात्र एक ही अनुभवी बल्लेबाज है, जिसका नाम है दिनेश कार्तिक। अगर दिनेश कार्तिक अच्छे फॉर्म में रहते हैं, मैचेस को फिनिश करते हैं, तो फिर आरसीबी टीम के लिए वहाँ पर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन बाई चांस कार्तिक भी वहाँ पर फॉर्म में नहीं रहते हैं तो युवा खिलाड़ियों पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, उन्हें प्रेशर झेलना पड़ेगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फिनिशर्स में इनके पास हो जाएंगे वहाँ पर शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, हसरंगा जैसे ऑलराउंडर। तो इनसे आरसीबी टीम उम्मीदें करेगी कि ये अच्छी
बल्लेबाजी करके दे नीचे लोअर ऑर्डर में या फिर मिडल ऑर्डर में और टीम को मैचेस फिनिश करके दे। हालांकि अगर इनका बल्ला नहीं चलता है तो फिर आरसीबी टीम मुसीबत में पड़ सकती है। मिडल ऑर्डर थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता हुआ आरसीबी टीम का आईपीएल 2022 के लिए। वहीं भाइयों एक और बड़ी कमज़ोरी ये है कि इनके स्पिनर्स जो है सुंदर और चहल इस बार नहीं होने वाले हैं, तो हमें नए स्पिनर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि शाहबाज अहमद पिछली बार भी खेले थे, इस बार भी आरसीबी टीम के लिए ही खेलेंगे, लेकिन इनके साथ जो है इस बार खेलते हुए दिखाई देंगे हमें वरिंदु हसरंगा। वो भी एक शानदार स्पिनर हैं, उनकी रैंकिंग भी काफ़ी बढ़िया है T20 अंतर्राष्ट्रीय में, तो इसलिए दोस्तों हसरंगा भी वहाँ पर आरसीबी टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, अच्छे लेग स्पिनर हैं। लेकिन हसरंगा के साथ वहाँ पर शाहबाज अहमद रहेंगे, जिनके पास अनुभव थोड़ा सा कम है, मगर उन्होंने आईपीएल 2021 में आरसीबी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी थी। तो देखना ये होगा कि पिन विभाग आरसीबी टीम का कैसा करता है, जो कि इस बार थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है और नया भी होने वाला है सभी टीमों के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी वीडियो आरसीबी टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।